चाहता है तो औरंगाबाद शहर की तारीख है कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोरोना काल हो या जब भी हो, हम लोगों को बुलाया गया, हमने फुल फ्लेज सपोर्ट किया है। एक बार मतलब आपने बुलाया, आप हमसे कोऑपरेशन लेना चाह रहे हैं, आप भी अपने वादे पर खड़े उतरिए। और साजिद भाई, हुसैन भाई जो बात बता रहे थे, हम पूरे शहर की मस्जिद के जरिए जी आईमा मस्जिद को पाबंद करेंगे कि जुमा की नमाज में इस्लाम ये कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, उसका खुलासा है, सफाई आधा ईमान है। हमारे पास ये तस्वूर है और हम कुरान की बहुत सारी आयत के जरिए से लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बिठा सकते हैं कि ये सफाई हमारे अपने फायदे के लिए है। हमारा शहर साफ होगा, औरंगाबाद शहर का नाम होगा, उसका नंबर होगा, ये बात की बात है। लेकिन सफाई को इस्लाम जो अहमियत देता है, वो इंशाल्लाह मसाजिद के जरिए से ऐलान करवा के हम पूरे जितने यहाँ पर अलग अलग संगठनाओं के एनजीओस के लोग बैठे हैं, ये भी अपने इमामों को बोलेंगे, हम भी लेटर निकालेंगे, कॉमन लेटर और सब मिल करके कल हमारा एक पूरा अइमा मसाजिद है, उलमाए किराम का प्रोग्राम हो रहा है हज हाउस में, इमारत शरिया मरेठ, पूरे मरेठवाड़ा का तकरीबन पूरे शहर के लोग रहेंगे। तो कल के मंच पर 1 तारीख के इंशाल्लाह मैं खुद वहां पर इस बात का ऐलान करूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने औरंगाबाद ने हमसे ये ताउन मांगा है और हम सब वादा करें कि परसों जुमा में इस बात का अपनी अपनी मसाजिद में बाकायदा ऐलान करते हैं। हमारा बनाने के लिए औरंगाबाद में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान औरंगाबाद स्मार्ट सिटी द्वारा, औरंगाबाद महानगर पालिका द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, औरंगाबाद दरवाजों का शहर कहा जाता है। एक दरवाजा रोशन गेट के करीब आप देखेंगे तो वहां कचरा आपको साल में 365 दिन वैसे ही नजर आएगा। तो वहां का कचरा सर उठता क्यों नहीं, वो समझ में नहीं आता। अगर वो जाता भी है तो जैसे तैयब भाई ने कहा कि आप कहीं ना कहीं उठाने में ट्रांसपोर्टिंग में कम हो रहे हैं, वो एक बात सही है। और सर प्लस एक दूसरे राम मंदिर के सामने एक डीपी है, डीपी के पास में एक कचरा गुंडी है, वो कचरा गुंडी में अक्सर जब भी देखा है कचरा की गाड़ी आती तो रात में 8 से 7 या 8 बजे के टाइम में आती, दिन भर कचरा सारा वैसे रहता, लोगों को उसी कचरे से गुजरना पड़ता। और रहा सबसे बड़ा मसला जो कि बताया मौलाना साहब ने, हमारे भाई ने, कि औरंगाबाद में जो है तो शरीफ कॉलोनी, रोशन गेट, किराड़पुर का जो पार्किंग का मसला है, वो पार्किंग का मसला सिर्फ साल में एक ही दिन हल होता, वो होता है रामनवमी के टाइम। क्योंकि रामनवमी के टाइम जो तो लोग जो दर्शन को आते हैं उनके लिए साफ सुथरा होता है, वो बहुत अच्छी बात है, वो इंसान है, लेकिन उसी तरह इंसान वहां रहने वाले हम भी हैं। तो पुलिस कमिश्नर को लीजिए आप साथ या किसी को भी लीजिए, लेकिन वो पार्किंग का मसला हल करिए। उस पार्किंग की वजह से बहुत जो है तो वहां पर गंदगी हो रही है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, और वो एरिया है स्लैम एरिया, जो तो लोग वैसे ही जो तो रोज डेली कमा के खाने वाले हैं, वो लोग उनको कमा के खाना ही मुश्किल है, तो दवाखानों में उनको पैसों कहां से लगाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, जो है तो महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, सफाई की तरफ तवज्जो दे रही है, मगर मुझे अफसोस इस बात पर है कि आप कचरे के ताल्लुक से कह रहे हैं कि सफाई लोगों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं उनकी सेहत के लिए, और आप ही लोग हैं तो लोगों की तबीयत खराब कर रहे हैं। आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बावजूद भी कैसा आप लोग ने वहां पर डिसाइड कर दिया कि शहर के एकदम करीब में बस्ती में और वहां पर है तो कचरा डिपो का है तो अपने वहां पर प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे जो लोग रह रहे हैं वहां पर उनको तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि उसकी कुछ हद नहीं, बाजू में खाना हराम है उनके लिए। आप लोग यहाँ पर एसी में बैठे हैं और वहां पर उन लोग का, अगर आप लोग ये भी बात जानते हैं कि बहुत से लोग हैं तो बटन प्लेयर है, अब उनकी औरत है तो उनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आदमी क्या करेगा, फिर टेंशन नहीं आएगा, तो उसका टेंशन इस बात को नोट कीजिए, ये बहुत सख्त है, महानगर पालिका के लिए बहुत मुफीद है। मैं बहुत दिन से ज्यादा था आप हजरात से मिलने के लिए, मगर मुझको मौका नहीं मिल सका। मैं वहां के एकदम सही कंडीशन पर आपके सामने रख रहा हूँ, इतनी बदबू है कि डीमार्ट तक उसकी पास आती है। कौन सा एरिया अपना? हरसुल में जहाँ पर कचरा डिपो है वहां पर है, तो उन्होंने लाखों रुपए उसमें खर्च किया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर कभी हवा को ऊपर की चीजों को अगर कभी खराब किया जाए तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है।
कि अगर कभी आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें तो राकेल इस्तेमाल करें धुएं से, अरे आप जमीन तक खराब कर रहे हैं, उसकी जो गंदगी जो नीचे जा रही है, पानी खराब आ रहा है। वहां के मेरे पास के बाजू में डॉक्टर साहब है, वो घर छोड़कर चले गए, उन्होंने अपना नया घर बनाया, 3 साल हुए उस घर को बनाने के। मैं कहा अरे जनाब आप क्यों जा रहे थे, बोले मैं मेरे बच्चे का इखराज कर लीजिए, मैं एक मदरसा भी चलाता हूँ, वहां पर उनका बच्चा पढ़ता था। उसने बोला इसकी बदबू इतनी खतरनाक है, कुछ हद नहीं, इसके जरासीम वगैरह से हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो कैसा, दूसरी बात यह कि रौजे बाग में जहां पर आप गाड़ियां लगा रहे वहां पर है तो वो लोग विटामिन चार्ज भरे हर चीज, कैसे बड़े बड़े बंगले, इतनी बदबू है वहां पर, इतनी घान के कुछ हद नहीं, मगरिब पेड़ इतने परेशान है। वहां पर हमने सब लोगों से जाकर पहुंच किया और हम हमारे जो साबिक एमपी साहब से मैंने उनसे अर्ज किया, अरे हैरत की बात है कि इतना बड़ा खरीबी सिटी और वहां पर इतनी बदबू है, उसके ऊपर कौन तवज्जो देगा। इसके लिए मेरी बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है, हम जानवर की फिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर है तो अपने कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, उनको है तो हम अपने उसके लिए आश्रमों में उसके इसमें रख रहे हैं, वह गाय बैले हैं उनको हमें तो अपने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ इंसानों के पीछे आप पड़े, इतनी बदबू आप है ही नहीं सकते, वहां पर जो रहता है उसको तकलीफ हो रही है। लोगों ने है तो वहां पर घर खरीद रखा है, आरसीसी बना रखा है, वहां पर स्कूल है, हम मैं खुद 500 बच्चे मेरे पास है, 250 लड़कियां 250 लड़के, इतनी तकलीफ है उसकी कुछ हद नहीं, कोई उसको समझने को तैयार नहीं। हम बार बार यहाँ आए तो हमको तो अरे भाई क्या अभी तो कमीशन साहब से मैं कई बार मिलने की कोशिश किया, वहां पर लोग मिलने का ना नहीं अभी भेज दिए, बाद में आप बाद में आइए, अरे भाई ये इंसान रह रहे हैं वहां पर, उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसको अगर कभी आप बाहर लेकर जाए या अगर कभी शहर से बाहर जहां पर पहाड़ों के दरमियान हो 10 किलोमीटर तक अगर कभी जहां पर रहे तो आबादी ना हो वहां पर रख सकते हैं। तो ऑफिसर कहता है अरे बोले जनाब वो लोग कैसा करने देंगे, अरे भाई आपके पास निजाम है, पूरा नज्म है, आप हर चीज कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि आप कहते हैं सफाई, हमारा शहर खूबसूरत भाई बेशक होना चाहिए। अभी हमने गौर किया दिल्ली गेट से लेकर जेल तक इतने खंभे जो कुछ काम के नहीं है, जैसे कि फोन के खंभे दरमियान में पड़े, लाइट के खंभे मैंने 22 खंभे हैं जो दिल्ली गेट से लेकर आपको तो वहां तक देखे। इसके अलावा आजाद चौक के पास जो बजरंग चौक के लिए जा रहा है उसके बाजू का रोड इतना अच्छा है, 40 फीट का रोड है, आगे बहुत अच्छा है और दरमियान का इतनी घान है वहां पर कुछ नहीं। मैं बल्कि मेरे से परेशान है आपके जो ऑफिसर है कट्टर करके, मैं बहुत तंग करता हूँ, आते जाते रोकता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बल्कि वो लोग भी को सब जानते हैं। तीसरी बार बात करेंगे, जो पहली बात कही कि घंटा गाड़ी की टाइमिंग, तो वो तो हम बदल देंगे क्योंकि घंटा गाड़ी आपने लिया है, तो जो रेडी कंपनी है 2-3 बातें जो है कि घंटा गाड़ी ना चार एक आती है उसका भी हमने रिव्यू पूरा लिया है, तो कम से कम अभी अपने शहर में 300 घंटा गाड़ियाँ हैं और 100 घंटा गाड़ियों की जरूरत है। अभी घंटा गाड़ियाँ 2 ट्रिप करती है, उनको 3 ट्रिप कम से कम करने की जरूरत है। ये सभी मुद्दे हम ये मुहिम के अंतर्गत फोकस कर रहे हैं और प्रॉपरली हम वो बढ़ाएंगे। अपने को कहा है आखिरी यहाँ तक पहुँचना है कि जब तक शहर का आखिरी कचरा लिफ्ट नहीं होगा तब तक कंपनी निजात नहीं पाएगी, ये तो हमने उनको बता दिया है। हमने बहुत सारे शोकाज दिए, कंपनी का पेमेंट रोका के रखा है, क्योंकि क्या है कि कंपनी जो एग्रीमेंट है पूरा कचरा लिफ्ट करने की जिम्मेदारी कंपनी की है। दूसरी बात जो आपने कही कि शहर के अंदर कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन के लिए अगर कुछ वॉलंटियर्स मिल जाए, तो अभी क्या काम कि हर वार्ड से हम 1-2-3 संख्या में जहाँ जरूरत है ज़्यादा तो हमें स्वच्छता दूत नियुक्त कर रहे हैं कि जो महापालिका को सहयोग करने के लिए वो काम करेंगे और वो वॉलंटियर्स होंगे जो जैसे समाज सेवक होंगे, समाज सेवा बोल के वो काम करेंगे और उनको हम थोड़ा सम्मान देंगे स्वच्छता दूत बोल के, उनके कोऑर्डिनेशन से हमारे लोग काम करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी अपने सबकी है। अपना अंतिम हेतु क्या है कि वहाँ की स्वच्छता होनी चाहिए, वहाँ के आरोग्य का स्तर बढ़ना चाहिए, वहाँ ग्रीनरी जितनी हो, ब्यूटिफिकेशन हो। दूसरी बात डिवाइडर के ऊपर भी हम अभी काम कर रहे हैं, स्पेशल डिवाइडर का अभी 15 दिन का है तो हर डिवाइडर का हम जायजा लेंगे, जहाँ जहाँ पेड़ों की जरूरत है, झाड़ों की जरूरत है, जो ऑर्नामेंटल ट्रीज है, श्रब्स है, वो हम लगाएंगे और अभी उसका अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है। हमने तो अभी पिछले साल में बहुत काम हो गया है, लेकिन जहाँ काम गलत हो गया, कहीं बड़े बड़े पेड़ उसमें लगे हैं, ये भी अपने को दिखता है, कहीं पर पेड़ नहीं, लोग कीचड़ डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, तो ये भी स्थिति अगले 15 दिन में हमको बदलनी है। और दूसरी बात कि एक्चुअली जो जो सुझाव हमको आते हैं तो हम उसका वेलकम करते हैं, समझे मेरे मोबाइल पे या आयुक्त सर के मोबाइल पे किसका वीडियो आता है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ कीचड़ है, वहाँ तुरंत हम जाकर उठाते हैं, जहाँ पॉसिबल है कार्रवाई करने की। हमारे पास 40-50 CA एक्स आर्मी बने, हाँ, तो वो
शाहगंज में एक हमने क्या किया अभी, शाहगंज में बस स्टैंड आपने देखा होगा वो एबंडन है, वो इमारत को यूज नहीं करते, वो बस स्टैंड अभी काम में नहीं है, बाजू में मंडी है तो पूरा लोग उसमें कचरा डाल देते पूरा। वो इमारत किसकी है? एसटी वालों की, एसटी महामंडल। हमने एमएसआरटीसी से लेटर लिखा कि तुमको हम 1,00,000 फाइन करेंगे, ये 15 दिन के अंदर ये पत्र लगा देते कवर को, तो उन्होंने वो हमारा कॉग्निजेंस दिया और कवर कर दिया है। टोटल 18 साल से जो काम पेंडिंग था, तो ऐसे कई काम हमको करने हैं जहाँ जहाँ से हमको रिपोर्ट प्राप्त होते हैं कि यहाँ ऐसी स्थिति है। हम तो 24/7 उसी काम से लगे, जितने हमको मौका मिला वो काम का, तो हम हमारे आदमी भेजते वो क्लियर करके लेते। वो तो आम बात है, क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहाँ कचरे का पॉइंट कैसा बंद हो जाए इसके लिए भी आप लोग को सोचना है। और जो स्थानीय नागरिक है वो हमारे खास मदद करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है वहाँ का प्रॉब्लम क्या है, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन वो देंगे। और महापालिका ये अपने साथ है, बोले तो महापालिका आदरणीय श्रीकांत सर का हेतु ही संभाजीनगर को, औरंगाबाद को अपने को नंबर 1 पे लेना ही है, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो कुछ करना है, फंडिंग है, बाकी कुछ अपने जो CSR फंड रहता है इंडस्ट्री का, वो भी हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार ये ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया तो वाकई शहर बहुत अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। और ये तो काम निरंतर का काम है, कोई आज किया और कल ठीक हुआ ऐसा नहीं है। हर दिन आप लोग को नए उत्साह से काम करना है, और जितनी अवेयरनेस हो जाएगी उतना लोगों में अवेयरनेस के बाद ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा, सुचारू रूप से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सुबह गाड़ियां खड़ी रहती, बाद में लोग गाड़ियां निकलती, फिर वो कचरा दिखने लगता, फिर इनके भी काम का कुछ काम बोल तो नजर आता नहीं। तो आप बताओ हम करके आपने को करके लेना है, जहाँ ओपन स्पेस है वहाँ, ये तो ओपन जिम होगी या बच्चों के खेलने के लिए कुछ आइटम रखेंगे, कुछ भी सोसाइटी के लिए जो भी है वहाँ के लिए। अभी पूरी स्पेस के पास एक एरिया है, पहले गार्डन था, अभी है तो आपकी 50 गाड़ी वहाँ से डंपिंग निकलेगा कचरा जो है, और रात में जिस तरह के बच्चे वहाँ पे जाके नशा कर रहे हैं, कुछ जो भी इंजेक्शन वगैरह जो भी बच्चे यंगेस्ट है ये चीज। और एक चीज सर, स्पेशली मैं आपको ये बोलूंगा कि आज हम लोगों का जो मुस्लिम बेल्ट है या जो भी है, इस एरिया में कहीं कहीं पे बहुत ही छोटी गलियां है जहाँ पे गाड़ी भी आपकी नहीं जाती है, तो उसके लिए भी आप जो है तो स्पेशली कुछ पूरे हैंड कार्ड जाएंगे। हाँ, दूसरी बात क्या है, एक आप सभी से गुजारिश की जो एरिया में आप रहते हो, तो हमारा जो इंस्पेक्टर है, सेंट्रल इंस्पेक्टर है, हमारा वहाँ का वार्ड ऑफिसर है, उसके आप संपर्क में रहो कि जो जो आपको लगता है कि भाई ऐसा है, यहाँ कचरा ज्यादा है, या ऐसा सुझाव है, यहाँ ये प्लान हो सकता है, वो हम तक आए तो हम वो इंसर्ट कर लेंगे यहाँ हर प्रोग्राम में। और आज के दौर में सर, ओल्ड सिटी के अंदर स्पेशली जो पानी आ रहा है, ये ड्रेनेज का पानी आ रहा है, पहले तो 10 दिन और 12 दिन के बाद में पानी आ रहा है औरंगाबाद सिटी, उसके बाद में जो है तो आधा एक घंटा जो है तो पूरा ड्रेनेज का पानी आ रहा है, उसके बाद में भी उसके 15-20 मिनट तक जो है तो उसकी स्मेल नहीं जा रही है, तो इसके ऊपर आप जरा सा ध्यान दें, ताकि ये बीमारी में सबसे बड़ा सही बात है प्रॉब्लम आने वाली चीज ये है। आज जो बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, बीमार जो हो रहा है, हॉस्पिटल आज हमारे पास में फुल है, उसकी वजूहत ये गंदगी और ये पानी, क्योंकि पानी सबसे मेजर चीज है जो हमारे बॉडी को रिलीफ देता है, और उसी की वजह से हम आज जो तो परेशानी परेशान है। हमारे मुस्तफा भाई के